गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस सबसे पहले पूरे देशवासियों को, सभी को और जितने मेरे भाई बंधु सगे मित्र सभी हैं उनको 75 साल पूरे हुए हैं आज हमारे इंडिपेंडेंस को। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ पूरे देश को। और अब क्या सीन है, अब बजे हुए 5:30 और मुझे निकलना है रेड फोर्ट के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आज फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है उसमें जाना है। तो अब देखते हैं 5:30 मैं नहा धो के तैयार हो चुका था, बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, बस अभी निकलना है 2 सेकंड के अंदर, क्यों लेट नहीं करते। चुके हैं रेड फोर्ट और अभी थोड़ी देर में सेरेमनी स्टार्ट होगी। और थोड़ी लेट आई इसलिए सीट थोड़ी पीछे मिली है, बाकी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आज 75 साल हम पूरे कर रहे हैं अपनी आज़ादी के। तो काफ़ी फॉरेनर्स जितने हमारे बाहर कंट्रीज़ के, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के ऑफिसर्स हैं वो भी आए हैं इस उसमें आज हमारे 75 पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में। तो दिखाता हूँ आपको भी सारा नज़ारा। हिंदुस्तान हमारी जान माल और हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। राष्ट्र की गौरव मतदाता को देखने के शिखर पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी अब वो खड़े समाप्त हुई, जिसका हम सभी को इंतजार था। भारत की गौरव पताका विश्व में लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगवानी कर रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन गरिमापूर्वक स्वीकार किया और वे सम्मान कारक का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। भारतवासियों, महापुरुषों की तर्जनी ने हमें मार्ग दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन संस्कारों पर चलकर इन 8 सालों को इतिहास का स्वर्णिम युग बनाया। और अब कुछ ही क्षणों में निरीक्षण प्रारंभ होगा। कुछ भी भारत के लिए असंभव है ये अब हम सोच भी नहीं सकते। हम जो भी सोचते हैं, जो भी कल्पना करते हैं या जो भी सपने देखते हैं उससे कहीं आगे चले जाते हैं। अब हम और भी नई नई ऊंचाइयों तक उड़ने का हौसला कर चुके हैं। आजाद हिंद फौज का वो तराना चरितार्थ हो रहा है। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जाता,
सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुहागा, जय हो। राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स, 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर, हमारी नुब्रा वॉरियर्स, इसकी कमान संभाली विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे ने, और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की ध्वजा को गर्व से आसमान में लहरा रहे हैं भारतीय वायुसेना के द्वारा अमृत फॉर्मेशन के जरिए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा, आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे राष्ट्र पर अमृत की वर्षा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वो देखिए आसमान की बुलंदी की ओर चले हमारे तिरंगे के 3 रंगों के गुब्बारे, माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व में तिरंगा आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है, तिरंगा हर घर में फहरा रहा है, हर हृदय में तिरंगा लहरा रहा है। ये 3 रंग हमारे देश समूचा हुंकारों से साहस का सम्मान, सारे दुश्मन सावधान हो भारत की जय गाइए, आसमान पे ताज या स्टेज बनाइए, हाथ उठाकर लौटिए, सच्चे मन से गगन घेर कर वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। पहचान कामयाबी के आसमान पर लहराना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री पर अटूट विश्वास हमें ले चलेगा उस ओर जहां भविष्य के भव्य भारत का क्षितिज है। पूरी जनता उल्लास से भरी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर प्रफुल्लित है, हर भारतीय का चेहरा यहां गर्व से प्रफुल्लित है, हर्षित है, गर्वित है। हमें उस ओर ये नेतृत्व ले चल रहा है जहां पर भविष्य के भव्य भारत का क्षितिज है,
हमारे ओझ के आगे कोई टिक नहीं सकता। राष्ट्रीय भावना को संघटित करें, संगठित करें और उसे राष्ट्रीय शक्ति बनाकर विश्व महाशक्ति के रूप में उभरे। देख रही है दुनिया तुम्हें उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। हमारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा, करो घोषणा हिंदुस्तान। और काफ़ी भीड़ थी इसलिए हमें सीट नहीं मिली थी, लेकिन मेरी सीट आगे की थी और पीएम सर भी चले गए हैं और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से और फिर आगे का आपको बताएंगे। तो गाइस आज वैसे भी ऐसा जैसे कि हमने पूरे इंडिया ने कंप्लीट किया है, इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए, तो आज का बहुत ही खास दिन है 15 अगस्त। बाकी बोलने के लिए अभी कुछ है नहीं, बातें याद आती रहेंगी, आपसे शेयर करता रहूँगा। तो गाइस अभी अपना हरियाणा ढूंढते हैं। अपना हरियाणा ढूंढेंगे, हरियाणा हमें सर कहीं नहीं आएगा, दो हैं खाली, कैमरा मैन नहीं आया। थोड़ा ऊपर से भी करना था, हल्का ऊपर से, जो तो कितनी बोल ले गया। रेड फोर्ट के अंदर और जहाँ पीएम जी ने भाषण दिया था वहाँ चलेंगे। और वहाँ पे गेट होगा, वो उधर की तरफ, अंदर की तरफ चलने के लिए गेट होगा। एनएसजी कमांडोज वो ये कहाँ था, ये भाव के लिए एकदम अच्छा। वो ऐसा काम चलेगा क्यों, क्या हो गया, ऐसे रहो ऐसे रहो। चुके हैं जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था और काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी है अभी भी। तो अब हम ऊपर और नीचे का सीन दिखाते हैं आपको।
तो गाइस एनएसडी कमांडो जहाँ पे मिनिस्टर अभी बैठे थे, ये अमित शाह, ये राजनाथ सिंह बैठे थे। 75वें हमारे इंडिपेंडेंस डे की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज ये था कुछ आज का हमारा सीन। अब निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, और फिर निकलते हैं यहाँ से। और लास्ट बात, जितने भी हमारे शहीद हुए थे, जिन्होंने हमारे देश आज़ाद करवाने में इतनी वो की थी ना, हेल्प की थी, जिन्होंने देश आज़ाद करवाया था, उन सभी को दिल से नमन। और आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, सारी चीज़ बढ़िया होगी। मैं भी टाइम से पहुँच गया था, लेकिन सीट मेरे को थोड़ी लास्ट में मिली। तो गाइज़ अब चलते हैं घर और व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो चैनल पर नए। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तो गाइज़ किसी को अलाउड नहीं था अंदर जाना।